तो लिमिट में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। देखिए आईआईटी में क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना, तो वो बेस कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पे आपका स्ट्रांग होल्ड होना बहुत जरूरी है। जब बेसिक पता रहेगा तब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है, आपको ये बिल्कुल बेस है लिमिट का, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, तो पहले हम लोग को देखना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर मैं आपको कुल मिला के बताऊंगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कितने होते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि यही इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्यों है, इसके अलावा बाकी चीजें इनडिटर्मिनेट क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। पता है टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, 7। 7 से ज्यादा एक भी नहीं होता, एक भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 के अलावा नहीं होता, ठीक है। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो 7 क्या होता है, क्यों होता है। फिर अगर आपको लगता है कि अच्छा सर ये क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, तो आप मुझसे बताइएगा। या आपको लगता है कि नहीं आज मैंने 8वां इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स खोज लिया है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते क्या है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसकी वैल्यू बहुत वैरी करती है, छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक जिसकी वैल्यू वैरी कर सकती है, और बीच में उसकी वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है, इसलिए हम उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में रखते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू वैरीज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज नंबर्स, ठीक है। जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं ना, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू वैरी कर सकती है छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक, सिंस बीच में ये कुछ फाइनाइट हो सकता है, सिंस बीच में ये कुछ कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए मतलब सिंस बीच में ये कभी कभी डिफाइंड भी हो सकता है, इसलिए हम इस तरीके की चीजों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखते हैं। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में किसे रखते हैं, जिसकी वैल्यू छोटे से लेकर के बड़े तक वैरी कर सकती है, और जो बीच में कई बार फाइनाइट आंसर दे सकता है, उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग रखते हैं। तो वैल्यू वैरीज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज नंबर्स एंड इट कैन गिव, और ये आपको क्या दे सकता है, ये एक फाइनाइट आउटपुट दे सकता है, इट कैन गिव फाइनाइट आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू छोटे से लेकर के बड़े तक वैरी कर सकती है, जो फाइनाइट आउटपुट दे सकते हैं, उन्हीं को हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है हमारा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अपॉन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। जीरो बाई जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो बाई जीरो नहीं, एग्जैक्टली जीरो बाई जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है, ये मैंने आपको बेसिक मैथ में 11th में बड़े आराम से एक्सप्लेन किया था। एग्जैक्टली जीरो बाई जीरो नॉट डिफाइंड होता है, ये है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अपॉन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये नॉट डिफाइंड नहीं, ये बल्कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट में डिफरेंस है, ठीक है। नॉट डिफाइंड मतलब ये डिफाइन ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट मतलब ये डिफाइन हो सकता है, इसकी वैल्यू छोटे से बड़े तक कुछ भी वैरी करती है और ये डिफाइन हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं कि भाई ये इनडिटर्मिनेट क्यों है, है ना, व्हाई दिस टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अपॉन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इज इनडिटर्मिनेट, बेस है समझिएगा, ठीक है। ये बोल रहा बहुत छोटे नंबर में अगर बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए बहुत छोटा नंबर, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 0.001 में, अगर हम बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए हमने डिवाइड किया 0.001, दोनों बहुत छोटे नंबर है, तो हमारे पास आउटपुट आएगा कितना आएगा भाई, 10 आएगा। अब मान लीजिए मैंने फिर से किया कि अच्छा बहुत छोटे नंबर में बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करना है, तो इस बार मैंने ऊपर का बहुत छोटा नंबर लिया 0.0001 और नीचे मैंने छोटा नंबर लिया 0.001, अब ये कितना आएगा, 1/10। आप देख क्या रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है वो छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक मतलब वैरी करती रहती है, इसकी वैल्यू वैरी कर सकती है, बीच में ये कुछ फाइनाइट आउटपुट भी दे सकता है, इसलिए ये आपका पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ,
with the explanation ki why this tending towards zero upon tending towards zero is an indeterminate form. ठीक है, दूसरा indeterminate form देखिए, इसी की family का है, tending towards zero upon tending towards zero की family का है दूसरा indeterminate form. और दूसरा indeterminate form है आपका tending towards infinity upon tending towards infinity. अब ये tending towards infinity upon tending towards infinity क्यों indeterminate form है, मैं इसको दो तरीके से explain करता हूं. पहला तरीका जैसा मैंने बताया, ये इसी फैमिली का है. कौन सी फैमिली का? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो अपॉन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. कैसे? बस आप इतना करो, देखो वन अपॉन ऊपर नीचे वन कर दो. इस वन अपॉन जीरो को आपने लिख दिया इन्फिनिटी और इस वन अपॉन जीरो को आपने लिख दिया इन्फिनिटी. ये बन जाएगा टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी अपॉन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो ये इसी फैमिली का है इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. दूसरा रीजन हम क्या बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नंबर अपॉन बी एक बहुत बड़ा नंबर. इन्फिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर विच कैन नॉट बी रीच्ड. एक बहुत बड़े नंबर में अगर आप बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? मान लीजिए कि बहुत बड़े नंबर को मैंने बोला 10 करोड़, है ना. हमने डाटा लिया कि 10 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है और उसमें मैंने फिर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया, चलो 20 करोड़, ये भी और भी बड़ा होगा, तो आपको कितना मिल जाएगा? 1/2. आप देखिए बहुत बड़े नंबर में बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करना है, तो मान लीजिए मैंने ऊपर का बहुत बड़ा नंबर लिया 20 करोड़ और नीचे का बहुत बड़ा नंबर मैंने लिया 10 करोड़, तो ये कितना मिलेगा? 2. आप क्या देख रहे हो कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक एकदम वैरी कर रही है, बीच में कुछ फाइनाइट वैल्यू भी ले सकती है. तो सिंस ये छोटे नंबर से बड़े नंबर तक वैरी कर रही है, बीच में कुछ फाइनाइट आउटपुट ले सकती है, इसलिए ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और ये आपका सेकेंड नंबर का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन से आपको इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझना है. ठीक, आते हैं थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे. तीसरे इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आते हैं भाई. थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो भी इसी फैमिली का है. पता है तीन इनडिटर्मिनेट फॉर्म सेम फैमिली के हैं क्योंकि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है. तीसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो इनटू टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दैट इज द थर्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब ये क्यों इंडिटर्मिनेट है? अगेन दो एक्सप्लेनेशन है. एक तो आप यहाँ पे ना सिर्फ एक वन अपॉन जीरो को इन्फिनिटी लिख दो और एक जीरो को जीरो रहने दो, तो ये इससे आप इसमें बदल दीजिए इसको, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इसलिए ये सब एक ही फैमिली के. ये तीन जो लिखा मैंने इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ये तीन एक ही फैमिली के हैं और इसको भी मैं इसी रीजन से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करूँ, तो बहुत छोटा नंबर आपने मान लीजिए ले लिया कि 0.0001 और एक बहुत बड़ा नंबर आपने ले लिया कि कुछ भी ले लिया इतना. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. तो बहुत छोटे नंबर में बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये भी आ सकता है, या उल्टा हो सकता है कि भाई बहुत छोटे नंबर में अब बहुत छोटा नंबर आपने ले लिया ऐसे और फिर इसमें बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो ये 5 प्लेसेस आगे डेसिमल शिफ्ट करो तो ये 0.1 आ रहा. अब फिर से देख रहे हो कि ये फिर से छोटे नंबर से बड़े नंबर तक वैरी कर रहा, बीच में फाइनाइट हो सकता है, इसलिए ये आपका तीसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. ये तीनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक ही फैमिली के हैं. ठीक है, इस साइड में जो मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी में मत लिखना, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये तीन इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है. चलिए आते हैं अब हम लोग फोर्थ इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे. ये तीन इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक ही फैमिली के हैं, ध्यान रखिएगा. अब चौथा इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये थोड़ा अलग फैमिली का है. ये है टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. ठीक है, क्या है? टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. ये क्यों इनडिटर्मिनेट है? अगर मैं एक बहुत बड़े नंबर में एक बहुत बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्यों इनडिटर्मिनेट है? जैसे फिर से अगर हम बहुत बड़े नंबर को 10 करोड़ एज्यूम करें, तो आप 10 करोड़ 1 ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा और 10 करोड़ 1 में 10 करोड़ सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? 1, विच इज फाइनाइट. 10 करोड़ अगर बहुत बड़ा नंबर है तो 20 करोड़ तो और भी बड़ा होगा और 20 करोड़ में 10 करोड़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 10 करोड़, फिर बहुत बड़ा नंबर आ गया. तो इसका आउटपुट जो है वो छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक कुछ भी वैरी कर सकता है, बीच में फाइनाइट भी हो सकता है, इसलिए ये आपका फोर्थ इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया. ठीक है, पांचवा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है टेंडिंग टुवर्ड्स 1
की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, ये सब टेंडिंग टुवर्ड्स है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली वन की पावर में कुछ भी करो फिर वो वन ही हो जाता है, वन की पावर में कुछ भी हो वो वन हो जाता है, ठीक है, ये टेंडिंग टुवर्ड्स वन की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका ये इनडिटर्मिनेट क्यों है, क्योंकि देखो ये पावर में बहुत बड़ा नंबर है और बेस जो है वो वन की ओर टेंड कर रहा है, तो अगर बेस वन की ओर टेंड कर रहा है, जरा सोचिए अगर ये वन से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो वन से थोड़ा सा ज्यादा नंबर की पावर में इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी देगा, वन से थोड़े से बड़े नंबर की पावर में इन्फिनिटी आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, और वन से थोड़े से छोटे में से अगर आप वन की ओर मूव कर रहे हो तो वन से थोड़े से छोटे नंबर की पावर में इन्फिनिटी आपको जीरो देगा। तो सिंस ये वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक वैरी कर रही है, बीच में ये फाइनाइट हो सकती है, इसलिए ये आपका फिफ्थ इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिक्स्थ इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आते हैं, हमारा छठा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, पांच हो चुके हैं, छठा और सातवां जो है वो सिमिलर है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एंड सातवां जो है वो है टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों का जो सॉल्व करने का मेथड है वो भी सिमिलर है और इन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सिमिलर है, ठीक है। तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, देखिए किसी एक को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ये क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखिए ये बोल रहा है ना, बहुत छोटे नंबर की पावर में बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटे नंबर की पावर में बहुत छोटा नंबर, तो जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटा नंबर मैंने लिया 0.001 की पावर में 0.0001, अब बहुत छोटे नंबर की पावर में बहुत छोटा नंबर, मान लीजिए कि ये आपके पास आया, एक छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही छोटा नंबर आपको आउटपुट में दे रहा है, स्मॉल नंबर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पावर किधर की ओर मूव कर रही, जीरो की ओर मूव कर रही, ये पावर जीरो की ओर जब मूव कर रही तो जीरो की ओर ये पॉजिटिव साइड से भी मूव कर सकती है और निगेटिव साइड से भी मूव कर सकती है, तो हो सकता है इस बार कि आपको बहुत छोटे नंबर की पावर में ये जो पावर जीरो की ओर मूव कर रही है ये निगेटिव साइड से मूव करे, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव पावर के कारण ये नीचे चला जाएगा वन अपॉन, और वन अपॉन ये आपने बोला कि बहुत छोटा नंबर आया, और वन अपॉन अगर छोटा नंबर है तो ये क्या बन जाता है, एक बड़ा नंबर बन जाता है ना, वन अपॉन छोटा नंबर क्या बन जाता है, बड़ा नंबर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये छोटे नंबर से बड़े नंबर तक वैरी कर सकता है, इसलिए ये आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो बीच में फाइनाइट भी हो सकता है। इसी तरीके से सेम एक्सप्लेनेशन इसका है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इन्फिनिटी या बहुत बड़े नंबर की पावर में पॉजिटिव नंबर है तो एक और एक वो बड़ा नंबर आ रहा है, तो अगर वही निगेटिव तरफ से अप्रोच करोगे तो वो वन अपॉन में चला जाएगा और फिर वो छोटा नंबर बन जाएगा, ठीक है, वन अपॉन एक बड़ा नंबर क्या बन जाएगा, छोटा नंबर, तो द सेम एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। अब अगर आपके किसी के दिमाग में कोई और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आप मुझे वो बता सकते हो, ठीक है, यस, आप बोल सकते हो, बताइए कोई और आपके दिमाग में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ सकता है तो बताइए। सर टेंडिंग टू 0 टू द पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी का। अच्छा, यस, गुड, वेरी गुड, सुनिए सभी लोग भाई, एक बच्चे ने पूछा है कि टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेट क्यों नहीं लिखा मैंने, है ना, इसको मैंने इनडिटर्मिनेट क्यों नहीं लिखा, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, इसको सब लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए क्योंकि IIT में इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करता है, ध्यान रखना। तो टेंडिंग पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ये क्यों इनडिटर्मिनेट नहीं, देखो ये बहुत छोटे नंबर की पावर में एक बहुत बड़ा नंबर है, क्या है ये, बहुत छोटे नंबर की पावर में एक बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत छोटे नंबर की पावर में बहुत बड़ा नंबर मतलब क्या, जैसे बहुत ही छोटा नंबर है,
उसकी पावर में अगर आप बढ़ाते चलो तो वो नंबर और छोटा होता चलता है कि नहीं। जैसे 0.1 किया और इसकी पावर 2 किया तो कितना हो जाएगा 0.01। पावर क्यूब करोगे तो और ये छोटा होता चलेगा। अगर बहुत छोटे नंबर की पावर में आप बहुत बड़ा नंबर करते हो तो वो एकदम जीरो की ओर अप्रोच करेगा, मतलब ये इसकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली जीरो की ओर अप्रोच करेगी। ये कोई इनडिटर्मिनेट नहीं लेने जाएगा, ये कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं लेने जाएगा, ये कॉन्स्टेंटली जीरो की ओर अप्रोच करेगा। इसलिए टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की पावर, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी कभी मिला ना तो इसको जीरो पुट कर देना। ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसको क्या पुट कर देना, आपको जीरो पुट कर देना है। क्लियर? चलिए और आप क्या इनडिटर्मिनेट बता सकते हो? आपका माइक ऑन करने से अच्छा है कि मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, है ना, कि जैसे आपके दिमाग में हो सकता है, किसी के दिमाग में है कि सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी प्लस टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट क्यों नहीं किया? तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा कि भाई ये बहुत बड़ा नंबर और बहुत बड़ा नंबर अगर आप ऐड करोगे तो ये तो और भी बड़ा नंबर मिलेगा, तो ये इनडिटर्मिनेट नहीं, ये आपको बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी ही मिलने वाला है, समझे? इसलिए प्लस वाला इनडिटर्मिनेट नहीं होता। ठीक, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। और क्या और आप बोल सकते हो? मान लीजिए किसी ने बोला कि सर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इसमें भी ये आपका क्या होगा, ये इनडिटर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े नंबर की पावर में बहुत बड़ा नंबर, ये आपको इन्फिनिटी दे देगा। तो ये सब इनडिटर्मिनेट नहीं है, लेकिन ये सारी मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए, समझे? क्योंकि क्वेश्चन में इन सब का यूज भी किया जाता है, स्पेशली IIT के क्वेश्चन में। तो इसमें देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट आप लिख लीजिए। पॉइंट क्या लिख लीजिए? एक आदत अपनी डेवलप कर लीजिए, बिल्कुल ये आदत डेवलप होनी चाहिए। फिर से मैं बता दूं, स्पेशली IIT के क्वेश्चंस में, बाकी में नहीं, IIT के क्वेश्चन में आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि बिफोर सॉल्विंग द लिमिट, लिमिट को सॉल्व करने के पहले आपको उसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करना चाहिए, समझे? क्यों? क्यों? क्योंकि पता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बेसिस पे मैं आपको अलग अलग मेथड पढ़ाऊंगा, लिमिट को निकालने के अलग अलग मेथड पढ़ाऊंगा मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करोगे, उसके हिसाब से ही मेथड लगाओगे, तो ये आदत भूलना मत। ठीक है, नोट लिख लीजिए क्या, ऑलवेज चेक द इनडिटर्मिनेट फॉर्म Always check the indeterminate form before solving the limit. ठीक है, लिमिट को सॉल्व करने के पहले हमेशा आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए सम रिजल्ट। ठीक है, सम रिजल्ट बहुत छोटे छोटे, सिंपल सिंपल, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप लिमिट में जो है ना, तो कुछ टॉपिक तो आसान है लेकिन कंफ्यूजन कई जगह पे लोग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, या अपने माइंड में लोग, बच्चे लोग क्रिएट हो जाता है उनके दिमाग में कंफ्यूजन। तो सारे पॉइंट में बता दे रहा हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट, जैसे पहला रिजल्ट देखिए क्या। पहला रिजल्ट यह है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए K1 into fx plus या minus K2 into gx, अगर दो या दो से ज्यादा functions add हो रहे हैं और उस पे limit लगी हुई है, तो पता है आप इस limit को दोनों functions पे अलग अलग distribute कर सकते हो। आप इस limit को इसको और इस limit को इसको distribute कर सकते हो। You can write K1 times limit extending towards a fx plus minus K2 times limit extending towards a gx. अगर दो functions पे limit के addition पे limit लग रही है, तो आप इस limit को distribute कर सकते हो, बसरते कि ये काम आप कब कर सकते हो, बसरते कि ये दोनों limits finitely exist करें। ठीक है, तभी आप ये काम कर सकते हो, provided, क्या condition है, provided both limits exist finitely। ये जो दोनों लिमिट, जो आपने इसको ना दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये जब दोनों लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगी, तभी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। प्रोवाइडेड क्या लिख रहे हैं, बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली।
अगर ये दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करें तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट मत करना, ठीक है, प्रॉब्लम में फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल हम दें कि भाई मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1x कितना होगा, फटाफट आपने बताया 1 होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो ना बता पाए कि 1 होगा, लेकिन किसी के दिमाग में आया जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना, उसने कहा कि नहीं सर, x तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शन x, है ना, और फिर कहा कि सर आपने बताया है रूल कि हम इस लिमिट को ना सम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रैक्शन x। अब फिर जो है तो आपने लॉजिक दिया कि सर ये लिमिट तो देखो एग्जिस्ट करती नहीं है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है, तब आप क्या आंसर बताएंगे? तो देखो, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने ऐसा आपको बोला है कि ऐसा नहीं करना है, है ना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने बोला कि जब इसको आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट तब करते हो जब दोनों लिमिट्स फाइनाइटली एग्जिस्ट करें, अगर एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। हालांकि जब RHL LHL का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो देखना कि इसको मैं RHL LHL अलग अलग निकाल पढ़ चुके हो, बेसिकली RHL LHL अलग अलग निकालोगे ना तो अभी भी दोनों का ओवरऑल आंसर 1 ही आएगा। RHL LHL अगर दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करोगे ना तो दोनों का देखोगे ओवरऑल आंसर 1 ही आएगा। लेकिन अब इतना एनालिसिस क्यों करोगे भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन को आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये काम करिएगा ही मत। अगर आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करो तो ध्यान रखिएगा ये तभी करना है जब दोनों लिमिट्स जो है वो फाइनाइटली या एग्जिस्ट करती हैं, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं, तभी आप ये काम करते हो, नहीं तो नहीं करते, ठीक। अच्छा, दूसरे रूल पे आते हैं, सेकंड रूल। अब ये जो आपने एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसी तरीके से अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको भी, तब भी आप उनमें भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, यस आप इस लिमिट को सम में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, ऐसा बिल्कुल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर से देख लीजिए, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप लिमिट को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बशर्ते कि अगेन दोनों लिमिट्स फाइनाइटली एग्जिस्ट करें, तभी आपको ये काम करना है, प्रोवाइडेड बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, तभी आप ये करना। अगर फाइनाइटली दोनों नहीं करती हैं तो आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू अभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल आप जान लीजिए इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगेन किसी ने कहा कि नहीं सर, हमने रूल लगाया ये वाला और इसको मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 अपॉन एक्स, और बोला कि सर ये तो जीरो की ओर मूव करेगा और ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी ये क्या आएगा, ये तो कैसे आपने 1 लिख दिया, है ना। तो ऐसा काम करना अलाउड नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? क्योंकि ये आप लिमिट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकते हो जब दोनों लिमिट्स फाइनाइटली एग्जिस्ट करें। ये तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है लेकिन ये वाली लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती, ये इनफाइनाइट की ओर जाती है, इसलिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है। तीसरा रूल आप यहाँ पे लिख सकते हो, थर्ड रूल, कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ऐसा कुछ लिखा है, तो आप इस लिमिट को यहां पे और इस लिमिट को यहां पे भेज सकते हो। मतलब आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कब? जब ये दोनों लिमिट्स फाइनाइटली एग्जिस्ट करें, तो अगर इनमें से एक भी फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती तो आप इस लिमिट को फिर अंदर नहीं भेजोगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे फिर से वही कंडीशन की भाई, प्रोवाइडेड बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली,
ठीक है। इसी तरीके से आप और भी कुछ कर सकते हो, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ ऑफ जी एक्स, आप इसको लिख सकते हो लिमिट, सॉरी लिमिट को आप अंदर भेज सकते हो, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या कि एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए जी एक्स, अगेन क्या प्रोवाइडेड, अगर ये मान लीजिए कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये एल आती है, ठीक है, अगर ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो एल आती है, तब जो है तो आप इस तरीके का काम कर सकते हो, और साथ में ये एल पे आपका ये फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है, एल पे ये डिसकंटिन्यूअस ना हो जाए, अगर ये एल आती है तो एफ इज कंटिन्यूअस एट एल, तब आप इस लिमिट को अंदर भेज सकते हो, नहीं तो आप इस लिमिट को अंदर मत भेजिएगा, ठीक है। कब भेज सकते हो, जब ये इसकी वैल्यू, अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू एल आती है, एफ जो है वो एल पे कंटिन्यूअस हो, तो आप इस लिमिट को अंदर भेज सकते हो, और मान लीजिए अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तब भी आप लिमिट को अंदर नहीं भेजोगे, तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट एंड ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे और एफ जो है वो एल पे कंटिन्यूअस हो, तो आप ये सब काम कर सकते हो, अदरवाइज आप लिमिट को ऐसे ही रैंडमली अंदर नहीं भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी अपने मन से मत कर देना, समझे, कि जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अपॉन एच एक्स प्लस माइनस कुछ भी, तो आप बोले कि चलो सर एक काम करते हैं, लिमिट को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, बाकी पे नहीं भेजेंगे, बस लिमिट को इस पे लगा देते हैं, तो ये सब काम मत करना, है ना, कि सेलेक्टिव लिमिट इस पे जाके लगा दिया, बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कैसे लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, ऐसे सेलेक्टिव लिमिट नहीं लगाते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन में भी बीच बीच में दिखाता रहूंगा कि आप ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई रूल्स। इसके बाद हम लोग आते हैं मेथड्स टू सॉल्व लिमिट पे, ठीक है, किस पे आते हैं, मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, लिख लीजिए जल्दी से, तब तक मैं हेडिंग डाल रहा हूं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, लिमिट को सॉल्व करने का मेथड। देखिए जैसा मैंने बताया था आपको कि टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, है ना, इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो आपका मेथड 1 है, बहुत ही सिंपल मेथड, इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड 1 क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब सीधे वैल्यू पुट कर देना है, लिमिट देखा सीधे वैल्यू पुट कर देना, कब करना है, जब आप लिमिट को देखो और उसका फॉर्म चेक करो और आप देख रहे हो कि अच्छा ये कोई भी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में से नहीं आ रहा है, तो फिर आपको फिर कोई मेथड नहीं लगाना, जब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है तो आपको लिमिट का कोई मेथड नहीं लगाना, बल्कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो कब लगाते हैं भाई, इफ लिमिट इज ऑफ नन ऑफ द 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, नन ऑफ द 7 indeterminate forms, if limit is of none of the 7 indeterminate forms, then use direct substitution. तो पहले आप लिमिट का फॉर्म चेक करिए, आपने देखा कि भाई जो लिमिट का फॉर्म आया वो कोई भी 7 indeterminate forms में से नहीं है, तो आपको सीधे वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं, ठीक। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, इस पे कोई खास क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको निकालना है, तो क्या किया जाए, अब इसको पहले इसका फॉर्म चेक करिए, फॉर्म चेक करोगे, जब फॉर्म कैसे चेक करोगे, 1 रख के देखो फॉर्म, 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आपने देखा कि ये 7 में से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए इसमें कोई मेथड नहीं लगाना, सीधे वैल्यू पुट कर देना, तो 1 पुट कर दिया तो यही आंसर आ गया, कितना आया 5, 4, 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3 7, सो आंसर इज 7, क्लियर। तो बस यही देखना है कि अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, सीधे वैल्यू पुट कर देना। चलो अगला करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ क्वेश्चन
कि आपको इवेल्युएट करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर्टीन. वेरी इजी, जल्दी से कर लीजिए. देखिए तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या देखोगे, लिमिट का फॉर्म चेक करो. तो फॉर्म चेक करने के लिए जीरो पुट करो तो कॉस जीरो वन माइनस थ्री इंटू वन प्लस सेवन अपॉन नीचे जीरो पुट करो तो जीरो जीरो माइनस फोर्टीन. तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है एट माइनस थ्री फाइव अपॉन माइनस फोर्टीन या माइनस फाइव अपॉन फोर्टीन. ये कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है. इसका मतलब आपको इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, कोई मेथड फॉलो नहीं करना है. ठीक है, सो योर आंसर बिकम्स माइनस फाइव बाई फोर्टीन. चलिए एक और करते हैं आप. नेक्स्ट एक और एग्जांपल करिए. क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल टू द पावर कॉट स्क्वायर एक्स. ठीक है, देखिए जरा क्या वैल्यू आएगी, क्या आंसर आएगा, या कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म निकल गया क्या कि आपको मेथड लगाना पड़े. आपने नहीं पढ़ा मेथड अभी, अगर इसका फॉर्म चेक करोगे देखो तो क्या मिल रहा है. अगर इसका फॉर्म चेक करोगे तो मिल रहा है जीरो प्लस जीरो मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की पावर कॉट जीरो. कॉट जीरो का स्क्वायर क्या मिलता है, इन्फिनिटी. टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है ना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. तो जीरो पे ये क्या बनेगा, कॉस जीरो वन और साइन जीरो जीरो. तो किधर की ओर भागेगा, इन्फिनिटी की ओर. तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, समझे. इसको वैल्यू मतलब इसकी सीधे वैल्यू पुट करना है. क्या वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू जीरो पुट करोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर बहुत छोटे नंबर की पावर में बहुत बड़ा नंबर करोगे तो वो जीरो के अप्रोक्स वैल्यू आएगी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा. तो ये था आपका मेथड वन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. इसमें कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आप भी देख सकते हो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है. तो इसलिए अब हम लोग अपने मेन दूसरे मेथड पे आते हैं, मेथड टू. एंड द मेथड टू इज लिमिट बाय फैक्टराइजेशन. क्या करते हैं, लिमिट बाय फैक्टराइजेशन. इस मेथड से मेनली हम लोग पता है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बाय टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो टाइप के लिमिट को सॉल्व करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली यही. या टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी टाइप की लिमिट भी कभी कभी सॉल्व हो जाती है. एक पॉइंट मैं बताता हूं, ध्यान रखिएगा. ये जो लिखा ना टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसका कोई मेथड नहीं होता, ध्यान रखिएगा. इसका कोई मेथड नहीं होता, इस टाइप की लिमिट का कोई मेथड नहीं होता, टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी माइनस टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी का. इसको आप ना रैशनलाइज करके या एलसीएम लेकर के जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदल देते हो. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन से जैसा क्वेश्चन रहे और एलसीएम लेकर के इसको आप कन्वर्ट करते हो, किसमें, जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हो, फिर उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट मेथड लगाते हो. ठीक, तो यहाँ पे मेनली जो हम लोग डील करने जा रहे हैं वो जीरो बाई जीरो फॉर्म, या अगर इसको जीरो बाई जीरो में बदल देते हो तो उस फॉर्म को डील करने जा रहे हैं. ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऐसा कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, और जब आपने फॉर्म चेक किया तो ये आ गया जीरो बाई जीरो. अब ये जीरो बाई जीरो कब आ सकता है बताओ, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म कब आ सकता है, जब फॉर्म चेक करोगे तो. जब a पुट करने पे एफ एक्स जीरो हो जाए, मतलब f ऑफ a जीरो हो जाए, एंड a पुट करने पे जी एक्स भी जीरो हो जाए और g ऑफ a भी जीरो हो जाए. तो इसका मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म कब होगा, जब f ऑफ a भी जीरो होगा और g ऑफ a भी जीरो होगा. तो फैक्टर थ्योरम से आपने पढ़ा है कि अगर x इक्वल टू a पुट करने पे एफ एक्स जीरो हो जा रहा है, या x इक्वल टू a अगर एफ एक्स का एक रूट है, तो x माइनस a जो है इस एफ एक्स का फैक्टर होगा.
इसी तरीके से x इक्वल टू a पुट करने पे अगर gx जीरो आ रहा है तो x माइनस a gx का भी एक फैक्टर होगा, तो x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ fx एंड gx बोथ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ fx एंड gx बोथ। ठीक है, x माइनस a जो है वो इसका भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। आप क्या करोगे, अब आप fx को फैक्टराइज कर लेना, gx को फैक्टराइज कर लेना। भाई जब इसका एक रूट आपको पता ही चल गया, एक फैक्टर आपको इसका पता ही चल गया, तो बाकी फैक्टर निकालने में आपको बड़ी आसानी होती है। आप डिवाइड करके या एक टेक्निक मैंने बताई उससे आगे भी बताएंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, और ऊपर नीचे से x माइनस एक कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है अगला स्टेप, आपको करना है फैक्टराइज fx एंड gx। जब फैक्टराइज करोगे तो x माइनस ए इंटू सम कुछ आएगा, नीचे भी x माइनस ए इंटू कुछ आएगा, और ये जो आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए आप कर रहे थे, ये फैक्टर कट जाएगा जो ऊपर नीचे को जीरो बना रहा था। अब ये कुछ नॉन जीरो पर नॉन जीरो बचेगा, और फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लेना। क्लियर, तो इस टाइप की लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान रखिएगा, जीरो बाई जीरो केसेस में सॉल्व करते हैं। x माइनस ए ऊपर नीचे का फैक्टर होगा जो फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं और उसको कट कर देते हैं, ये वो फैक्टर था जो ऊपर नीचे को जीरो बना रहा था। अब बाकी में लिमिट पुट करके आप आंसर निकाल लो, अगर अभी भी जीरो बाई जीरो बन रहा है, फिर से x माइनस ए ऊपर नीचे का फैक्टर होगा, फिर वही काम करो, फैक्टराइज करके निकालो, कट कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इस पे करते हैं क्वेश्चन, तो इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।